अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्राइट वे और मैं हूं ज़हूर अहमद। मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को बताता चलूं कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों ने रिजल्ट में कुछ चेंजिंग की है, तो आज विद प्रूफ के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन सी चेंजिंग है। कुछ बच्चों को 2 या 4 नंबर से उन्हें रीअपियर कर दिया गया था, तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों के रिजल्ट में अब चेंजिंग कर दी गई है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, पहले जो रिजल्ट आया था उसमें वो एक बच्चा जो है वो फेल है, उसके बाद उसे पास कर दिया गया। मैं पहले आपको पहले वाला रिजल्ट दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को जो अब अपडेट रिजल्ट आया वो भी आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पे हर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो वाला रिजल्ट दिखा दूं जो बच्चे का पहले आया था, ये आप लोगों को दिखा दूं। इसमें ये कोड नंबर जो है 431 मतलब 431 रिपोर्टिंग बुक है इसकी, और इसमें ये रीअपियर और इसके मार्क्स जो है ये 53 है। ये आप लोग गौर से देख सकते हैं, कोड नंबर 431 रिपोर्टिंग और इसके मार्क्स जो है 53 और रीअपियर किया हुआ है। अब मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ इसका बताऊंगा कि ये आप लोग जो है मजीद अभी जो अपडेट रिजल्ट हुआ है उसमें कैसे उन्होंने इसे पास कर दिया। तो ये हर बच्चा जो अपना रिजल्ट दोबारा से चेक करे उसका ये रिजल्ट में चेंजिंग कर दी गई है। स्पेशली ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ उन बच्चों के लिए थोड़ी सी रहम दिली की है जिनके 2 या 4 नंबर से वो फेल कर दिए गए थे। तो अभी ये आप लोगों के सामने मैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो आप लोगों ने किसी भी ब्राउजर को ओपन करना और वहां पे आप लोगों ने AIOU जस्ट आप लोगों ने वो सर्च कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना, इस तरह का आप लोगों के सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आप लोगों ने एडमिशन सेक्शन और उसके नीचे आप लोगों को मैं नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये सॉरी एडमिशन वाले पे क्लिक हो गया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने पेज ओपन करना है। पेज ओपन करने के बाद इस तरह का आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, एडमिशन के नीचे आप लोगों ने आ जाना एग्जामिनेशन में आप लोगों ने ये रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये रिजल्ट के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि रिजल्ट डिटेल फॉर सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 BA ADB आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो यूजर आईडी है वो और पासवर्ड जो है वो आप लोगों ने लिखाना है। यूजर आईडी के बारे में मैं काफी दफा बता चुका हूँ, अगर फिर भी आप लोगों को इशू हो तो आप लोग जो है मैं व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा, आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। यूजर आईडी या पासवर्ड में आपको कोई इशू आ रहा हो यहाँ पे आप लोगों ने साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। पहले मैं आप लोगों को अभी ये मुतलका जो है वो दिखाऊंगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि एग्जाम एंड ग्रेड्स के ऊपर क्लिक करना है। एग्जाम एंड ग्रेड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने माई ग्रेड्स के ऊपर क्लिक करना है। माई ग्रेड्स के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों ने व्यू ग्रेड्स के ऊपर क्लिक करना है। व्यू ग्रेड्स के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 431 ये देख लें 431 रिपोर्टिंग और इस बच्चे के तब 53 थे, अब उन्होंने 55 करके से सी ग्रेड के साथ पास कर दिया है। इस तरह आप लोगों के रिजल्ट में भी चेंजिंग आ गई होगी, आप लोग मजीद चेक कीजिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बताता चलूँ कि अगर आप लोग मुकम्मल अपना रिजल्ट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप लोग कैसे करेंगे। वो आप लोगों ने ऐसा करना है कि यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना और यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो ये नंबर 1 पे लिखा हुआ अकेडमी रिकॉर्ड आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नंबर 3 पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा व्यू आप लोगों ने अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है वो गलती कर रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना और आप लोग मैट्रिक के FA के BA के जो आप लोगों की डिग्री है वो वाला आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 14 ईयर प्रोग्राम इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना, उसके बाद आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद चंद ही सेकंड बाद आप लोगों का ये जो रिजल्ट कार्ड है ये डाउनलोड हो जाएगा। काफी स्टूडेंट का ये इशू आ रहा है कि सर अब ये सिर्फ एक जो है वो उसका रिजल्ट शो हो रहा है, तो वो इसलिए कि आप लोगों को इसमें अपडेटिंग कर दी गई। बाकी मुकम्मल जो रिजल्ट कार्ड है वो उम्मीद है कि 20 फरवरी तक आप लोगों का मुकम्मल जो रिजल्ट कार्ड है वो शो कर दिया जाएगा। या डाउनलोड अगेन कर लेता हूं, मैं पहले भी ऑलरेडी कर चुका हूं। यहाँ पे आप लोगों ने जाना और ये 3 डॉट पे और यहाँ पे आप लोगों ने डाउनलोड पे क्लिक करना। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज होगा। जस्ट नो अभी मैंने ये जो है डाउनलोड किया, ये मैं जस्ट वंस टाइम मतलब इसी बार करना, लेकिन आपके यहाँ पे अभी थोड़ी देर तो मैं लोग देखें जी ये मतलब ये वोटिंग और ये उसके मार्क्स लिखा दिए 55 इस तरह ये पास हो गया। अभी ये इसका एक यही जो है रिजल्ट शो किया जाएगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहे ब्राइट वे, वस्सलाम।